स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द फ्यूचर लैंग्वेज स्किल्स विद अनदर एक्सप्लेन टॉपिक फॉर लाइफ स्किल्स A1 फेज 1 बी जी सेकंड पार्ट ऑफ द टेस्ट इन विच यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस टू द अदर कैंडिडेट वन वे कन्वर्सेशन। माय टुडेज टॉपिक इज व्हाट पार्टीज डज ही और शी सेलिब्रेट्स। ओके जी, टॉपिक है ये जो बंदा है दूसरा आपके साथ बैठा हुआ, ये कौन कौन सी पार्टी सेलिब्रेट करती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनर मुझे कहेगा और कहेगी यू हैव सम टाइम टू थिंक अबाउट योर टॉपिक, योर क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस दोज यू हैव टू आस्क टू द अदर कैंडिडेट आफ्टर वन मिनट। शी विल गिव मी पेपर एंड पेन। नाउ शी हैज़ गिवन मी फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल आई डू? First of all, I will write school farewell parties, birthday party or friends party, wedding ceremonies। मैं ये सारे points अपने paper पर लिख लूँगा and then I will start after one minute। मैं इन्हीं चारों points पे देखूँगा और इन्हीं के बारे में मैं questions चार पाँच questions करता रहूँगा। So firstly my question क्या होगा, मेरा question क्या होगा, मैं पूछूँगा okay, so tell me what comes first in your mind when you listen word party। अगर मुझसे कोई ये सवाल पूछेगा तो मैं कहूँगा my daughter's birthday comes in my mind, my daughter's birthday party comes in my mind। Okay, then main question karunga, second question, so do you celebrate your birthday? Okayega, yes। मैंने अब verb भी लिख लेना, जब topic मुझे मिलेगा मैं celebrate वो भी side पे लिख लूंगा कि ये verb है जो use होगा। सो मैं पूछूंगा डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे पार्टी? वो कहेगा यस आई सेलिब्रेट माय बर्थडे। मैं कहूंगा डू यू थिंक इट इज़ अ गुड थिंग, क्या आपके ख्याल में एक अच्छा काम है? वो कहेगा यस आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग। ऑलराइट, सो हाउ इट इज़ अ गुड थिंग, एक्सप्लेन इट प्लीज़, थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो मैं कहूँगा इट इज़ अ गुड थिंग टू मेक मेमोरीज, इट इज़ अ गुड थिंग टू इन्वाइट योर फ्रेंड्स एंड मीट विद द पीपल दोज यू हैवंट मेट फॉर सो लॉन्ग। इट इज़ अनदर रीज़न यू कैन से इट इज़ अ गुड थिंग टू रिसीव प्रेजेंट्स, रिसीव गिफ्ट्स। ओके, देन आई विल आस्क वेयर डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, कहाँ पे सेलिब्रेट करते हो? अगर मुझसे पूछ रहा है तो मैं कहूंगा द आंसर विल बी आई सेलिब्रेट माय बर्थडे मोस्टली एट माय होम, समटाइम्स इन एनी होटल। ओके, ऑलराइट, सो हाउ ऑफन यहां पे मतलब ये है कि आप हर साल मनाते हो कि नहीं। तो अगर हाउ ऑफन पूछें तो ये मतलब होगा हाउ ऑफन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। तो मैं कहूँगा आई सेलिब्रेट माय बर्थडे एवरी ईयर, मैं हर साल मनाता हूँ। ओके, एक साल बीच में मिस नहीं करता, राइट? ओके, देन मैं दो तरीकों से ये सवाल पूछ सकता हूँ, हु डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे विद, या फिर विद whom Do you celebrate your birthday? Okay? I celebrate my birthday with all my family and few of my friends. Okay? All right. Then I will move on to wedding ceremony parties or friends parties और फेयरवेल पार्टीज़, स्कूल फेयरवेल पार्टीज़ के बारे में भी मैं यही क्वेश्चन पीछे वाले कर सकता हूँ। सो डिड यू सेलिब्रेट स्कूल फेयरवेल पार्टीज़ इन योर स्कूल? अब मैं डिड यू पूछ रहा हूँ, पास्ट का पूछ रहा हूँ, तो पास्ट का भी पूछ सकते हैं। या फिर मैं कह सकता हूँ व्हेन डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे लास्ट टाइम,
ओके, हु डिड यू सेलिब्रेट विथ, ये सवाल पूछ सकता हूँ मैं उनसे, ठीक है। फिर मैं गिफ्ट्स की तरफ भी आ सकता हूँ, सो विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट गिफ्ट टू रिसीव और प्रेजेंट टू रिसीव, ओके। सो आप कोई भी आंसर जो भी आपको पसंद है, लाइक मैं तो कहूँगा रिस्ट वॉच इज़ माई मोस्ट फेवरेट प्रेजेंट टू रिसीव, ओके। सो आपने जो कहना है, जो भी आपकी पसंदीदा चीज़ है वो आप कह सकते हैं, ओके। उसका नाम लेके इज माई मोस्ट फेवरेट, जो भी चीज़ आप रिसीव करना पसंद करते हैं, रिस्ट वॉच इज माई मोस्ट फेवरेट, ओके। और राइट, यही चीज़ें थी जिनके बारे में, बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं जी, ठीक है। लाइक आप पूछ सकते हैं बर्थडे पार्टी में, डू यू लाइक कटिंग केक, डू यू डेकोरेट योर रूम, और उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे पार्टी। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इस टॉपिक में पूछ सकते हैं, दूसरी पार्टीज़ जो हैं उनके बारे में भी पूछ सकते हैं। सो ये था आज का टॉपिक, आई होप सो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह टुमारो। अगर आपने मेरी फुल टेस्ट की वीडियोस नहीं देखी तो इधर क्लिक करें। अगर आपने पिछली वीडियोस मिस की हैं जिनमें मैंने वो टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हुए जो ज़रूरी हैं, तो इधर क्लिक करें, इधर क्लिक करें। और जो मेरी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हुई है उसके लिए आप इधर क्लिक कर सकते हैं। सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।